भारत बरस या भारत वर्ष, और जब हम किसी से पूछते हैं तुम कितने बरस के हो गए या तुम कितने बरस की हो गई, इन दोनों में एक समानता है, क्योंकि पाली के अंदर जो बरस है उस बरस का मतलब होता है वर्षा, यानी कि जब पानी गिरता है जिसको हम वर्षा बोलते हैं। पाली के अंदर एक शब्द और भी है जिसको हम वृष्टि बोलते हैं, यानी वृष्टि बोलते हैं। वृष्टि में सभी तरह की चीज़ें जो गिरती हैं उनको वृष्टि बोलते हैं, मगर अगर स्पेशली बरसात होती है, पानी गिरता है, तो उसको हम बरस बोलते हैं। बरसात होना या बरसना ये पानी के गिरने की बात होती है, जब भी हम इसको कहेंगे। आज की भाषा में इसको हम वर्षा बोलते हैं या इंग्लिश में हम इसको रेन बोलते हैं। भारत बरस में जो बरस आता है इसका मतलब भी वर्षा होता है। भारत का जो मतलब होता है भा और रत, भा का मतलब पाली में होता है, जो आप जैसे जानते होंगे, अगर भा में हम आ लगा दें तो आभा, यानी आभा का मतलब हम सब जानते हैं चमक, और भा का मतलब होता है चमक। तो चमक ऐसी होती थी इस पूरे देश में, इस पूरे प्रदेश में, ईरान से लेके और बर्मा तक, कि इसकी चमक में सब लोग रत रहते थे, और ख़ास तौर से चार महीने का वो समय जो कि गुरु पूर्णिमा से स्टार्ट होता है, जो कि आषाढ़ी पूर्णिमा से स्टार्ट होता है, जो कि आषाढ़ पूर्णिमा से स्टार्ट होता है या आषार पूर्णिमा से स्टार्ट होता है, जो जुलाई के अंदर फुल मून आता है, मोस्टली जुलाई के अंदर जो फुल मून आता है उससे आरंभ होके, और ये लगभग 3 महीने पूरा चलता है, और चौथे महीने भी ये खिंच जाता है आगे तक, चौथे महीने के बाद ये नहीं चलता। इन 4 महीनों में पानी खूब बरसता है, और पानी बरसने के साथ साथ यहाँ बहुत ज़्यादा आनंद और उल्लास का और आभा का, यानी चमक का माहौल रहता है, बड़ी खुशी का आनंद का रहता है, और उसमें सारे रत रहते हैं, इसलिए इसको भारत बोलते हैं। और भारत वर्ष इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 4 महीने का जो वर्ष है, यानी बरस वाला जो महीना है, इसलिए उसमें आनंद आता है, इसलिए इस जगह का पूरी का नाम भारत बरस पड़ गया। अब बरस का और भारत का एक छोटा सा संबंध जो पाली में समझ में आता है और दिखाई देता है बिल्कुल स्पष्ट, वो है वस्सावास से। वस्सावास या वस्सवास या वर्षावास या वर्षावास, यानी कि वर्षा के दौरान में आपको वास करना है। किसको वास करना है? जो भिक्खु हैं, जो लगातार घूमते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, या भगवान बुद्ध का जो भिक्खु संघ है वो आराम से वास करता है एक जगह रुक के बारिश के दिनों में, वर्षा के दिनों में, इसलिए उसको वर्षावास बोलते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब आषाढ़ी आषाढ़ का महीना आता है, आषाढ़ी पूर्णिमा आती है, उससे पहले जो महीना आता है, तो आषाढ़ के दिनों में, यानी आषाढ़ के दिनों में बारिश आरंभ हो जाती है। बारिश आरंभ होने के साथ साथ ही नए कोपल निकलते हैं और कीड़े मकोड़े अपना प्रजनन करते हैं, क्योंकि उस समय पानी की अधिकता होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से कीड़े मकोड़े अपनी जान बचा के घूमते हैं, मगर जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो सारे कीड़े मकोड़े निकल आते हैं और वो प्रजनन करते हैं, और पेड़ पौधों में जो बीज जमीन के अंदर बीज पड़े होते हैं उनमें नई नई कोपल आनी शुरू हो जाती हैं। तो भिक्खु संघ जब चारिका करता था, घूमता था, जगह जगह जाके पढ़ाता था, तो उनके पैरों से वो जो कोमल कोपल होती थी जिनको सीडलिंग्स बोलते हैं, और जो कीड़े मकोड़े होते थे छोटे छोटे जो अभी जीवित हो रहे हैं या जिनके अंडे हैं या जो छोटे छोटे लार्वा हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान में आ जाते थे। तो भगवान बुद्ध ने ये नियम बनाया कि वर्षावास के दौरान, यानी कि जब बारिश होगी उस दौरान 3 महीने से लेकर 4 महीने तक भिक्खु संघ एक ही जगह रहेगा और एक ही जगह रह के शिक्षा का काम करेगा, लोगों को पढ़ाएगा और खुद भी वो पढ़ेगा, और वहाँ से वो कहीं नहीं जाएगा। इस नियम को वर्षावास बोलते हैं। तो उनके जो भिक्खु संघ के साल गिने जाने लगे, यानी कि कोई भिक्खु कितने साल तक भिक्खु में रहा, भिक्खु संघ में रहा, या कितने साल तक उसने शिक्षा ली, या कितने साल तक शिक्षा दी, या भिक्खु संघ में उसकी उम्र कितनी है, उसको बरस से, यानी वर्षा से, रेन से नापने लगे। यानी जितने ज़्यादा वर्षावास वो करता था उतने वर्षावास उसके माने जाते थे। भगवान बुद्ध के 45 वर्षावास हैं, यानी 45 साल उन्होंने पूरे जीवन में चारिका की और लोगों को पढ़ाया ज्ञान प्राप्त होने के बाद। अलग अलग भिक्खुओं के अलग अलग वर्षावास होते हैं। तो वर्षावास समय को नापने की एक इकाई बन गई, और समय को नापने की इकाई से इसको बरस बोलने लगे, यानी कि पानी गिरने की वर्षा को बरस बोलने लगे, और ये बरस में आने लगा।
यानी हम कहते हैं तू कितने बरस का और तू कितने बरस की, या आप कितने बरस के हैं, तो बरस यहाँ एज आने लगी, ये वर्षा से और रेन से आने लगे कि आपकी लाइफ में कितनी रेन आ गई, कितनी बारिश आ गई, कितनी वर्षा आ गई, कितनी वर्षा आ गई, ऐसे करके इसको वर्षावास बोला गया। तो वर्षावास के दौरान में भारत के अंदर बड़ा हर्षोल्लास होता था और लोग बहुत ज़्यादा शिक्षकों की खेती के काम लगभग बंद हो जाते थे और लोग अपने अपने घरों में रहते थे। उनका सिर्फ ये काम होता था कि बिहार तक जाना, जहाँ भिक्खू संघ है वहाँ उनके लिए भोजन लेके जाना और वहाँ पढ़ना और वहाँ पढ़ाना, ये काम अक्सर हुआ करता था। भगवान ने जब इसका नियम बनाया तो उन्होंने देखा कि वर्षा को लाने वाली तिथि कौन सी है, यानी वस उपनायक जो तिथि है वो कौन सी है, तो उसको उन्होंने वस उपनायिका बोला। और वो जो तिथि उन्होंने फिक्स की, यानी जो डेट उन्होंने, जो तारीख उन्होंने फिक्स की, वो की उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा के अगला दिन। शुरू में ये आषाढ़ पूर्णिमा, जिसको आप गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, यानी आषाढ़ी पूर्णिमा बोलते हैं, उससे अगले दिन से इसको स्टार्ट किया। मगर जो सैन्य बिंबिसार राजा थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसको आषाढ़ पूर्णिमा से ही स्टार्ट करना चाहिए, आषाढ़ पूर्णिमा से ही करें, मेरा ऐसा निवेदन है। तो उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा कि ये आषाढ़ पूर्णिमा से आरंभ होगा। और एक तिथि और भी दी कि उसके बाद एक महीने बाद भी आरंभ हो सकता है, जहाँ जैसी परिस्थिति है, और ये 3 महीने तक चलेगा। और 3 महीने के बाद जो 4th महीना आता है उसमें पवर्णा आएगी, यानी कि भिक्खु संघ अपनी समय और परिस्थिति के हिसाब से अपनी तैयारी करेगा और वहाँ से चारिका करने के लिए, आगे पढ़ाने के लिए अपना बंदोबस्त करेगा और वहाँ से जाएगा, और लोग उस बंदोबस्त में सहायता करेंगे, उसको काम करेंगे, और जो भी वो मदद हो सकती है वो करेंगे भिक्खु संघ की। ऐसे करके ये 3 से लेकर 4 महीने का पूरा प्रोसेस उन्होंने ये बनाया और 3 से लेकर 4 महीने तक इसको वर्षावास का काल बोला जाता है। आसार का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, पाली के अंदर आसार का, जब इस महीने का नाम ही इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इस महीने में मूसलाधार बारिश होती है। और भगवान बुद्ध ने इस महीने या अगले महीने की जो पूर्णमासी आती है, सावन की पूर्णमासी, वहाँ से भी इसका स्टार्ट करने का, यानी कि इसको आरंभ करने का जो वर्षावास है उसका भी नियम बनाया। बहुत सारे नियम उन्होंने बनाए हैं, मगर इसको जो आषाढ़ पूर्णिमा है या पूर्णमी या पूरन चंद भी बोलते हैं, यानी जब पूरा चांद हो जाए तो उसको पूरन चंद भी बोलते हैं या पूर्णिमा, तो आषाढ़ पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बहुत सारी बातें इम्पोर्टेंट घटी अलग अलग पूर्णमासी पे। ऐसा नहीं है कि एक ही पूर्णमासी पे सारी बातें घटी हैं। सबसे पहली जो घटना आती है वो आती है महामाया के गर्भ में, यानी कि गर्भ के अंदर सिद्धार्थ गौतम का आना, ऐसा माना जाता है, क्योंकि महामाया को आषाढ़ी पूर्णिमा को सपना आया चांदनी रात में कि एक सफ़ेद हाथी अपने सूंड में एक कमल लेता हुआ उनको सपने में दिखाई दिया। और कहते हैं कि उसी पूर्णिमा की रात को गर्भ धारण किया महामाया ने, जैसा कि ग्रंथों में या किताबों में बताया जाता है। दूसरा सबसे मेन कारण कि इसी आषाढ़ी पूर्णिमा को, इसी गुरुण पूर्णिमा को सिद्धार्थ गौतम ने अपना घर छोड़ा। जब ये निर्णय हुआ कि अब उनको घर छोड़ना पड़ेगा, उनको देश निकाले की सजा मिली और उस सजा के तहत में उनको बाहर जाना पड़ेगा, तो उस रात भी आषाढ़ी पूर्णिमा की रात थी। ये दूसरी इम्पोर्टेंट बात है आषाढ़ी पूर्णिमा के लिए। तीसरी बात इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए और बुद्ध बनने के बाद जब वो वैशाख पूर्णिमा को उन्होंने ज्ञान लिया, तो वैशाख के बाद वो लगातार इसमें अध्ययन करते रहे, और सारा अध्ययन करने के बाद में उनको लगा कि अब मैं कहाँ से शुरुआत करूँ पढ़ाने की, कहाँ से लोगों को बताने की, कहाँ से कल्याणकारी जो मार्ग है उसको बताने की आरंभ करूँ। तो अपने टीचर्स के पास जाने के लिए जब उन्होंने देखा तो टीचर्स जा चुके थे दुनिया से, तो उन्हें अपने पुराने 5 साथी जो उनके कुलीग्स थे, जो उनके 5 साथी थे जो उनके साथ में तप करते थे, ज्ञान करते थे, मेहनत करते थे, साधना करते थे, उनकी याद आई। पूछने पर पता चला कि वो सभी सब यहाँ से जा चुके हैं, बनारस में रहते हैं, कि सब बनारस में सारनाथ या वाराणसी, जो आज की डेट में हम जिसको बोलते हैं, और उस समय इसका नाम था इसी पत्तन मिगदाय, यानी इसी पत्तन मिगदाय एक बहुत ही शानदार पाली का शब्द है। इसी माने होता है
आज की भाषा में कहेंगे तो ऋषि यानी कि जो तप करते हैं, मेहनत करते हैं, जो पवज्जक होते हैं, उनको इसी बोलते हैं पाली में। पत्तन माने होता है घाट, यानी आपने सुना होगा जैसे पटना जो बना हुआ है वो रिवर घाट पे बना हुआ है, इसलिए उसका नाम पटना है। आपने पाट का नाम सुना होगा, चक्की पाट आपने आगरे में नाम सुना होगा, पाटन आपने नाम सुना होगा, काठमांडू में एक छोटा सा मोहल्ला या कस्बा है पाटन, क्योंकि वहाँ रिवर बहती होगी और वहाँ उसके पाट पे वो बसा है। और इससे भी इम्पोर्टेंट है, आपने विशाखापट्टनम का नाम सुना होगा, विशाखापट्टनम और ये जो इसी पट्टम है, ये दोनों सेम वर्ड हैं जो पाली के हैं, यानी कि जो रिवर बह रही है बनारस के अंदर उसके पाट पर, उसके तट पर ऋषि रहते हैं। और मिग दाय का मतलब है, मिग माने होता है हिरन और दाय माने होता है उद्यान, यानी कि बाग या जिसमें वो घूमते हैं, विचरण करते हैं, उसको बोलते हैं बाग। तो इसी पत्तन मिग दाय के बारे में जब उनको पता चला, जो कि सारनाथ में था, सारनाथ का मतलब, सारनाथ नाम बाद में पड़ा है, सारनाथ का मतलब है जहां नाथ ने सार दिया, यानी जहां नाथ बुद्ध को बोलते हैं, जहां नाथ ने सार दिया बातों का उसको सार बोलते हैं। और बनारस का मतलब है जहां पे वनवास होता हो, यानी वनवास, जहां पे वनवास किया उन्होंने उसको बनारस बोलते हैं। और वाराणसी का भी जो मतलब है वो सेम है, यानी वन में रमण करने वाले इसी, उसको बोलते हैं वाराणसी। ये सारे शब्द पाली से बने हुए हैं और ये सब बार बार बताते हैं कि वहाँ पे इसी रहते थे, वहाँ पे भिक्कू रहते थे जो बाद में भिक्कू बने और 60 भिक्कू भगवान बुद्ध को सबसे पहले वहीं मने। तो उन्होंने उसी दिन यानी आषाढ़ी पूर्णिमा को वहाँ पे धम्म चक्र प्रवर्तन किया। धम्म का मतलब है जो प्राकृतिक नियम है, चक्र माने हैं जो उन्होंने चक्र खोजा, जो उन्होंने चक्र ज्ञान किया, कौन सा चक्र, जिसको हम बोलते हैं पतित्व समुत्पाद या पटिच समुत्पाद, इंडिपेंडेंट ओरिजिनेशन या कारण और उसका वाद, जो भी ये नियम है, बहुत सारे इसके नाम हैं, जब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा तो खुल के एक एक शब्द के बारे में बताऊंगा, इसकी 12 कड़ियाँ होती हैं। तो धम्म चक्र यानी प्राकृतिक जो जीवन का चक्र है उसका पवत्तन किया, पवत्तन का मतलब है उसको मूव फॉरवर्ड किया, उसको आगे की तरफ घुमाया। पवत्तन का मतलब पाली में जो होता है उसका मतलब है उसको आगे चालू रखना, उसको जो रुका हुआ चक्र था उसको उन्होंने आगे घुमाया। ये भी बात आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन वहाँ हुई, इसलिए उन पांचों जो उनके साथी थे उनको मानना पड़ा कि अब जो सिद्धार्थ गौतम है ये वास्तव में बुद्ध हो चुके हैं। और फिर उन्होंने उनको नमस्कार किया, शिक्षा लेने के बाद में उन्होंने उनको गुरु माना और तब से ये गुरु पूर्णिमा के नाम से या गुरु पूर्णचंद के नाम से या गुरु पूर्णमासी के नाम से जाना जाता है। एक घटना वहाँ पे आषाढ़ी पूर्णिमा पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हुई। सारी दुनिया बनारस के अंदर जाती है, बनारस के अंदर बहुत ज़्यादा धम्म चक्र प्रवर्तन होता है, अभी भी वहाँ हजारों के तादाद में भिक्कू आते हैं और जब भी ये धम्म चक्र प्रवर्तन डे आता है आपको हजारों की संख्या में वहाँ पे धम्म का ज्ञान लेते हुए या धम्म चक्र प्रवर्तन पे भिक्कू करते हुए आपको नजर आएंगे, मिलेंगे। इसके अलावा एक घटना आषाढ़ी पूर्णिमा पे और भी हुई, क्योंकि घटनाएँ आषाढ़ी पूर्णिमा पे बहुत ज़्यादा हुई हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा वाले दिन संघ की स्थापना हुई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पांच भिक्कू थे, पांचों के पांचों भिक्कू उस दिन संघ में शामिल हुए। अब भगवान बुद्ध के पास में संघ था पांच भिक्कुओं का, तो संघ की दुनिया के अंदर जितने संगठन हैं वो सारे सारे संघ के नियमों पे बने हुए हैं। दुनिया का सबसे पहला अच्छे टीचर्स का यानी अच्छे लोगों का, सावक संघों का जो संघ बना वो भगवान बुद्ध ने बनाया, उसकी नींव भी आषाढ़ी पूर्णिमा को पड़ी और इसीलिए इसको मनाया जाता है पूरी दुनिया में। मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान बुद्ध ने, भंगी बुद्ध ने या भगवान बुद्ध ने या भागवान बुद्ध ने या भगवान बुद्ध ने कभी भी गुरु शिष्य परंपरा को पैदा नहीं किया और ना ही उसके लिए कोई आज्ञा की और ना ही वो खुद गुरु शिष्य परंपरा में बने। उन्होंने पढ़ाए और अपने जैसे बनाए और वो आगे बढ़ गए और उनको आगे बढ़ाया और सबको उन्होंने खुली छूट दी कि जाइए और पढ़ाइए, अपना गुरु अपने आप बनिए, अप दीपो भव, यानी अपना दीपक, अपना प्रकाश आपको खुद ही बनना है और आगे चलते जाइए, भिक्कु चलना आपका जीवन है। ऐसा करते हुए ये परंपरा उन्होंने विकसित की। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे भगवान बुद्ध ने वसावास के बहुत सारे नियम बनाने शुरू किए, क्योंकि जैसे जैसे जरूरत आवश्यकता आती रही वैसे वैसे वो नियम बनाते थे और जैसे जैसे नियमों की अनुपयोगिता आती जाती थी वैसे वैसे वो नियम को ख़त्म भी करते जाते थे।
समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से वो नियम थे। उस समय की जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से उस समय एक ही बिहार में रहना या एक ही जगह रहना बहुत जरूरी था। पर उस समय भी उन्होंने ये नियम बनाए थे कि अगर कहीं भिक्खु को किसी आवश्यक कारण से जाना पड़े तो वो जा सकता है 7 दिन के लिए, या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कहीं मेडिकल आ गई है या कोई बीमार है तो वहाँ जा सकता है 5 दिन के लिए। 7 भिक्खु जा सकते हैं या 5 लोग जा सकते हैं। उन्होंने 7 प्रकार और 5 प्रकार के बताया कौन कौन जा सकते हैं, जैसे भिक्खु है, भिक्खुणी है, सामनेर है, सामनेरी है, जो वहाँ सेवा करती हैं वो है, उपासक हैं या उपासिका हैं, इस तरह से सारे नियम उन्होंने बीच बीच में जैसी आवश्यकता आती गई वैसे वैसे वो बनाते गए। और उन्होंने ये भी नियम बनाया कि अगर कहीं ऐसा लगे कि भिक्खु संघ को यहाँ तकलीफ है या परेशानी है या आग लग गई है या पानी भर गया है या गाँव उजड़ गया है या चोर आ गए हैं या खाना नहीं मिलेगा या खाने में दिक्कत है या गांव वालों को दुभिक्षा आ गई है, वहाँ खाना अवेलेबल नहीं है, या हरी बीमारी हो गई है या काल पड़ गया है या कोई बीमारी ऐसी आ गई है, तो उसमें वो वहाँ से जा सकते हैं, उठ सकते हैं। नियम बहुत फ्लेक्सिबल थे, समय के अनुसार थे, इसलिए वत्सावास के बहुत सारे नियम हैं। मैं समय समय पर आपको वत्सावास के सारे नियमों के बारे में बताऊँगा, मगर यहाँ सबसे एक ज़रूरी बात है और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वत्सावास के जो नियम बनाए भगवान बुद्ध ने उस समय बनाए 2500 साल पहले बनाए, जब ना टीवी होता था, जब ना मोबाइल होता था, जब ना कैमरा होता था, जब पढ़ाने के साधन नहीं थे, ना सड़क थी, ज़मीनें कच्ची होती थी, रोड कच्चे होते थे, घुटने घुटने तक पानी भर जाता था, कीचड़ बहुत होती थी, जो नदियां हैं, जो रिवर हैं वो उफान पे आती थी, उनको तैर के पार करना बड़ा मुश्किल होता था, लोग बह जाते थे, मर जाते थे, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू बहुत ज़्यादा आते थे निकल के, उस समय ये नियम बनाए। आज के समय में क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि आनंद, अपने जाते समय उन्होंने आनंद को कहा था कि आनंद जो नियम अच्छा ना हो या जो नियम लगे कि ये ठीक नहीं है उसको वो छोड़ दें, और भी ऐड किए जा सकते हैं, ये स्पष्ट उन्होंने कहा, क्योंकि वो बहुत दूरदर्शी थे, वो जानते थे कि समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। आज ऐसा समय नहीं है कि शहरों के अंदर या बड़े शहरों के अंदर या छोटे शहरों के अंदर सड़कें ना हों या सुविधा ना हो, आज बिहार पक्के हैं, रह सकते हैं। फ़ायदा ये होना चाहिए कि परंपरा में ना जाके इसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें लेना चाहिए कि वर्षावास, क्योंकि आजकल बारिश भी ऐसी नहीं होती है जैसे पहले घनघोर बारिश लगातार होती रहती थी, अब बारिश भी कभी कभी कदुका होती है और पानी शहरों से निकल जाते हैं, गांव से बहुत तेज़ी से निकल जाते हैं, तो अब 12 महीने पढ़ाया जा सकता है और 12 महीने पढ़ा भी जा सकता है, ऐसी सुविधा है। दूसरा ये है कि पढ़ाने के लिए आपके पास माध्यम बहुत हैं, अब नेट है, इंटरनेट है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इसके अलावा आप अपनी जो नेट है उससे आप अपनी वीडियोस को या अपने जो आपकी पिक्स हैं या जो आपके फोटोज़ हैं या जो आपकी पोस्ट हैं उनको आप आगे बढ़ा सकते हैं, आप इसको बहुत तेज़ी से लोगों तक सिखा सकते हैं, आप चाहें तो इंटरनेट के माध्यम से कॉन्फ्रेंसिंग करके एक दूसरे की जानकारी ले सकते हैं, पूरी दुनिया में आप जुड़ सकते हैं। इसलिए परंपरा में ना जाते हुए ये देखना है कि परंपरा से फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है। खाली परंपरा का प्रतीक मानना है ठीक हो सकता है, मगर अगर उसका फ़ायदा ज़्यादा ना हो तो उसको छोड़ देना या उसको कमज़ोर कर देना बेहतर है। अच्छा रहेगा कि नए नए संसाधन, भिक्खु तो वैसे भी नए संसाधनों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, और ये 3 महीने और 4 महीने का जो रिवाज है ये लगभग अब बहुत हल्का हो गया है, मगर फिर भी अभी चलता है, जगह जगह चलना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ये किया था, इस बहाने कम से कम भिक्खु रुक के अपनी शिक्षा को बढ़ा लेते हैं और आ जाते हैं, फिर भी समय के उपयोग के हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है। धन्यवाद।